तानाशाह को अपने किसी पूर्वज के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वह उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखता या उनके दिल का एक्सरे नहीं देखता। यह स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठा हुआ उसका हाथ या बंधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई अंगुली किसी पुराने तानाशाह की याद दिला जाती है। यह एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उसका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है। वह अपनी आंखों में काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूरता कोमलता से ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए वह एक झिल्ली को फेंकती हुई बाहर आती है और इतिहास की सबसे ठंडी क्रूर आंखों में तब्दील हो जाती है। तानाशाह मुस्कुराता है, भाषण देता है और भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह एक मनुष्य है, लेकिन इस कोशिश में उसकी मुद्राएं और भंगिमाएं उन दानवों, दैत्यों, राक्षसों की मुद्राओं का रूप लेती रहती हैं, जिनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों, गाथाओं, धारणाओं, विश्वासों में मिलता है। वह सुंदर दिखने की कोशिश करता है, आकर्षक कपड़े पहनता है, बार बार सजधज बदलता है, लेकिन इस पर उसका कोई वश नहीं कि यह सब एक तानाशाह का मेकअप बनकर रह जाता है। इतिहास में तानाशाह कई बार मर चुका है, लेकिन इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है उससे पहले कोई नहीं हुआ है।